आदाबस नाज़रीन, आज अक्टूबर महीने का आखिरी फ्राइडे है और इस दिन की एक खास अहमियत है। हमारी रियासत में एक यूनिक प्रैक्टिस लगभग 150 साल से चल रही है, जिसमें सीट ऑफ पावर को हर 6 महीने दो कैपिटल्स के दरमियान रोटेट किया जाता है। और कभी ख्याल आता है, अगर ये इसी तरह की प्रैक्टिस किसी वेस्टर्न सोसाइटी में चल रही होती तो इसको आज तक यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज का स्टेटस हासिल होता और बहुत सारे टूरिस्ट ऑपरेटर्स दुनिया के डिफरेंट हिस्सों से आकर 300 किलोमीटर सड़क के इर्द गिर्द यहाँ पे मेले लगाया करते। और हो सकता है शायद इसका ब्रांड नेम होता है वॉच दरबार मूव इन एक्शन। फ्राइडे को क्या होता है कि अक्टूबर के आखिरी फ्राइडे को सरकारी दफातर वगैरह सारे श्रीनगर में क्लोज हो जाते हैं, सेक्रेटरीट वहां पे बंद हो जाता है और फिर 9 दिन की रिसेस पे गवर्नमेंट चली जाती है और नवंबर के फर्स्ट मंडे को ये सारे दफ्तर जम्मू खुल जाते हैं। इसी तरह से अप्रैल के आखिरी हफ्ते में आखिरी फ्राइडे को जम्मू में होता है और मई के फर्स्ट मंडे को श्रीनगर में जाके दफ्तर खुल जाते हैं। ये लगभग 130, 35, 40 साल तक इसी तरह से ये प्रैक्टिस फॉलो करता आ रहा है। बट देर वॉज वन एबरेशन और वन एक्सेप्शन, दैट वॉज ऑन दिस डे इन 1947। 1947 के कैलेंडर में अक्टूबर का आखिरी फ्राइडे था 31 अक्टूबर को, और उससे कई दिन पहले यानी कि 26 अक्टूबर तक लगभग श्रीनगर में कैपिटल खाली हो चुकी थी, क्योंकि कैपिटल अक्टूबर के एंड तक श्रीनगर होती है। कैपिटल खाली हो चुकी थी, स्टेट के रूलर वहां से जा चुके थे, प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में थे, कैबिनेट के बहुत सारे लोग जहां जहां के थे वहां के लिए निकल चुके हुए थे। और एक चीज मेरे जहन में हमेशा आती है, जब बहुत सारे आप कंफ्लिक्टिंग नैरेटिव्स के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं इट इज ऑलवेज डेंजरस टू एग्जामिन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थ्रू ए सिंगल स्टोरी। अब ये जो जम्मू कश्मीर के कुछ सिचुएशंस हैं, इनके बारे में बेशुमार किताबें और हिस्टोरिकल, कभी ऐसा है कि ला कार्टे नैरेटिव्स अवेलेबल हैं, जिसको जैसा नैरेटिव चाहिए वैसा मिल जाता है। मैं बहुत सारी किताबें एग्जामिन करता हूं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट है ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये मेंशन करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी 25-26 अक्टूबर तक बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी हुई थी और अब वहां पे कोई फैसला लेने वाली कोई भी अथॉरिटी श्रीनगर में नहीं थी। 22 तारीख को पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ट्राइबल रेडर्स ने जम्मू कश्मीर की टेरिटरी के ऊपर अटैक किया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बावजूद। मुजफ्फराबाद को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, वो स्टिल रिमेन्स इन देयर ऑक्यूपेशन। और बारामूला तक आ गए, मोहड़ा पावर स्टेशन, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिक जम्मू कश्मीर का वाइब पावर स्टेशन था और बल्कि हिंदुस्तान में जो पहले पावर स्टेशन थे उनमें से एक था, उसके ऊपर अटैक करके श्रीनगर में बिजली बंद हो गई थी। डॉक्टर करण सिंह अपनी किताब में रिकॉल करते हैं कि जो महाराजा का पैलेस था वहां पे रात को बत्ती गुल हो गई और बहुत अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। लालटेन, पेट्रोमैक्स वगैरह लेकर स्टाफ यहां वहां घूम रहे थे, महाराजा के बहुत सारे एहलकार उनके साथ बैठे हुए थे। उसी शाम को, 25 तारीख की शाम को, दिल्ली से वीपी मेनन आए हुए थे, जिन्होंने महाराजा को एडवाइस किया था कि आपको आज रात को ही जम्मू निकल जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता कि महाराजा की जान को भी खतरा, ऐसा उन्होंने बताया कि हो सकता था। उससे 25 से एक दिन पहले की बात है, 24 अक्टूबर 1947 को दशहरे का दिन था, और दशहरे का दिन बहुत अहमियत का हामिल था कश्मीर में। महाराजा हरि सिंह खुद जाया करते थे दशहरा के सेलिब्रेशंस में और बड़े हर्षोल्लास से उसको मनाया जाता था। बाई दैट टाइम जब ये 22 का हुआ था, जब ट्राइबल रेडर्स का पता चला था, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक पीस ब्रिगेड पहले बनाकर रखी हुई थी, उसको कन्वर्ट कर दिया था नेशनल मिलिशिया में, जिन्होंने जो सारे हथियार वगैरह लेकर सड़कों पे आगे हुए थे और वो डिफेंड करने के लिए। कहते हैं कि उन्होंने भी बहुत रोल प्ले किया था दशहरा को पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रखने के लिए कि किसी किस्म की वहां पे अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए। 21-22 तारीख से शेख अब्दुल्ला ऑलरेडी दिल्ली में थे, वो जवाहरलाल नेहरू के घर पे बैठे हुए थे, और 2 दिन के बाद एक हीरा लाल अटल करके एक आर्मी ऑफिसर थे, वो एज नेहरूज एमिसरी श्रीनगर आए और शेख की फैमिलीज को भी, बच्चों वगैरह को, फैमिली के मेंबर्स को भी दिल्ली ले गए। करण सिंह के मुताबिक 25 तारीख की रात को महाराजा हरि सिंह वहां से श्रीनगर से निकल आए जम्मू के लिए, और 42 गाड़ियों का ये काफिला था। महाराजा अपनी गाड़ी हरि सिंह खुद चला रहे थे, उनके पीछे वाली सीट के ऊपर दो लोग बैठे थे, फ्रंट सीट उनकी खाली थी, बाकी काफले में एक गाड़ी में करण सिंह थे, एक गाड़ी में महारानी थी, और इसी काफले में एक फ्रेंच ज्वेलरी डिजाइनर भी बैठे हुए थे। महाराजा को गाड़ियों का और ज्वेलरी का बहुत शौक था, वो कुछ डिजाइन डिस्कस करने के लिए आए थे, वो भी इसी काफले में जम्मू आए। 26 तारीख को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी आज के दिन 26 अक्टूबर 1947
1947। अब जम्मू में इसकी डिमांड भी आ रही है कि 26 अक्टूबर को बकायदा तौर के ऊपर ऑफिशियली रिकग्नाइज करना चाहिए एक दिन के जिसमें एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद यूनियन ऑफ इंडिया के साथ फॉर्मली सेलिब्रेट किया जा सके, लोग इसमें अपना फखर ढूंढ सकें। ये आज भी इसमें बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पे हुए। तो 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया और मेनन लेकर वापस दिल्ली गए। डॉक्यूमेंट वहां पे डिफेंस कमेटी के सामने रखा गया और 27 अक्टूबर की सुबह को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस श्रीनगर में लैंड किए। फिर उसके बाद का एक लंबा प्रोसेस है वो चलता गया। अब ये 26 अक्टूबर की डेट जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। 26 अक्टूबर के बाद का हर एक दिन, हर एक डेट बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है। आप किसी भी डेट को उठाकर देख लें, उसके ऊपर एक नया चैप्टर लिखा जा सकता है। और बल्कि जो आज तक वाकयात हो रहे हैं, जो आज तक बहुत सारी पॉलिटिकल सिक्योरिटी के एतबार से सिचुएशन बनी हुई है, आप किसी भी सिचुएशन को देखना शुरू करो, वो किसी प्रीवियस डेट के साथ वो जरूर लिंक होती है। तो लिहाजा 26 अक्टूबर के बाद क्या हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, उसके ऊपर मैं ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा। मैं सिर्फ दो बातों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। एक तो ये कि ये 26 अक्टूबर वाले हालात, कश्मीर से कैपिटल छोड़ना, जम्मू आना, फिर इन परिस्थितियों में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना, आधी स्टेट का खो जाना, फिर ये लंबा कन्फ्लिक्ट ये लगा रहना, क्या इसको अवॉइड किया जा सकता था? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जिनकी वजह से ये अवॉइड नहीं हो सका? एक तो ये। दूसरा ये कि हमारा जो सारा पॉलिटिकल नैरेटिव है जम्मू कश्मीर का, वो इसी को बात को लेकर बेसिस के ऊपर अटका हुआ है कि ट्राइबल रेड हुई और उसके बाद ये सारा हो गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को बड़े यूनिक सर्कमस्टांसेस में, बड़े पैनिक सर्कमस्टांसेस में साइन करना पड़ा। अगर ट्राइबल रेड ना होती तो तब जम्मू कश्मीर का स्टेटस क्या होता? ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि विक्टोरिया स्कोफील्ड ने अपनी किताब में लिखा कि महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट, एक इंडिपेंडेंट कंट्री रखना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने के लिए, ऐसा रखने के लिए, ऐसा अचीव करने के लिए ही वॉज डूइंग एब्सोल्यूटली नथिंग। और इस चीज की ताइद की है करण सिंह ने। और मुझे लगता है क्योंकि करण सिंह की किताब पहले आई और विक्टोरिया स्कोफील्ड की बाद आई, बहुत सारी चीजें उन्होंने करण सिंह की किताब से पिक की हुई हैं। करण सिंह एक अपनी किताब में बहुत चीज एक वाजह तौर के ऊपर लिखते हैं कि एक गुरु जी थे संत देव, और वो स्वामी संत देव उनका नाम था। वो बहुत देर से यहाँ पे थे जम्मू कश्मीर में और वो महाराजा को एडवाइज किया करते थे रिलीजियस अफेयर्स पे। शायद महाराजा प्रताप सिंह के टाइम से वो यहाँ पे थे, लेकिन बीच में वो एक लंबे अरसे तक जम्मू कश्मीर से गायब हो गए और 1944 में वो अचानक वापस आ गए। अब महाराजा हरि सिंह का, और शुरू शुरू में महाराजा ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, उनके साथ बहुत ज्यादा इख्तलाफात थे, लेकिन करण सिंह रिकॉल करते हैं कि एक एक स्टेट, एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि जब महाराजा हरि सिंह ने उनकी इतनी इज्जत करनी शुरू कर दी कि अगर नेहरू भी आते थे, पटेल आते थे, कोई भी आते थे, यहाँ पे माउंटबेटन आते थे, तो वो हरि सिंह को योर एक्सीलेंसी करके एड्रेस करते थे, योर हाईनेस करके एड्रेस करते थे और सारे सारे एहतराम से उनसे मिलते थे। ये स्वामी संत देव ये वाहिद एक ऐसे आदमी थे कि जिनके सामने महाराजा हरि सिंह कुर्सी तक पे नहीं बैठते थे, घंटों तक फर्श पे उनके सामने बैठा करते थे। महाराजा को सिगरेट पीने का शौक था, वो स्वामी संत देव एक वाहिद ऐसे आदमी थे जिनके सामने वो सिगरेट नहीं पीते थे। और इस तरह से करके उनका इन्फ्लुएंस गवर्नेंस और बाकी अफेयर्स में भी आना शुरू हो गया। कहते संत देव ने महाराजा को एडवाइस करना शुरू कर दिया कि ना आप पाकिस्तान के साथ जाइए, ना आप इंडिया के साथ जाइए, आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट डोगरिस्तान जो बन सकती है आप वो बनाइए, और उसकी हदूद जो होंगी वो लाहौर तक होंगी, जहां पे कभी महाराजा गुलाब सिंह का बहुत बड़ा बोलबाला था। ऐसा इंपैक्ट करण सिंह क्लेम करते हैं कि महाराजा के ऊपर था, जिसकी वजह से वो फैसला नहीं ले पाए, बावजूद इसके कि जब फरवरी में कम से कम ये बात थी, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने कह दिया था पावर विल गो बैक टू द पीपल इन इंडिया, तो तब पता था कि इंडिया पाकिस्तान ये विभाजन होगा और प्रिंसी स्टेट को इस किस्म का एक फैसला लेना पड़ेगा। मई के महीने में कांग्रेस के प्रेसिडेंट आचार्य कृपलानी श्रीनगर आए, महाराजा के साथ गुफ्तगू की उन्होंने, तो महाराजा ने कोई उसकी किसी बातचीत का कोई उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं हुआ। उसके बाद 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने जब पार्टीशन प्लान अनाउंस किया, तो उसके फौरन बाद 2 हफ्ते के बाद वो श्रीनगर में आए और महाराजा को कन्विंस करने के लिए, वो ये नहीं कह रहे थे कि आप पाकिस्तान के साथ जाइए या इंडिया के साथ जाइए, वो कह रहे थे कि खुदा रा कोई फैसला लीजिए आप, और 14 अगस्त से पहले पहले आप अपना फैसला सुना दीजिए कि आप
किस तरफ जाना चाहते हैं। अगर महाराजा ऐसा कर देते उस साल, उसके बाद और आज तक जो बहुत सारे हालात बने हैं अनप्लेजेंट, वो शायद अवॉइड हो सकते थे। माउंटबेटन आए, माउंटबेटन को महाराजा ने फिशिंग के ऊपर भेज दिया, कुछ ड्राइव्स वगैरह की, बागों में गए, यहाँ से फल तोड़िए, वहां से फूल देखिए, वो सारा किया। अब एक दिन उन्होंने मुकर्रर किया हुआ था जिस दिन वो महाराजा के साथ बैठकर तफसीलन बातचीत करना चाहते थे। करण सिंह रिकॉर्ड करते हैं अपनी किताब में, और माउंटबेटन ने भी बाद में इसके बारे में बयान दिया कि उस दिन महाराजा अपने बेडरूम से ही नहीं निकले और उन्होंने बता दिया मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकता। फिर एक, ये जून की बात है, फिर उसके बाद 1 अगस्त को महात्मा गांधी श्रीनगर आए और वो 4 दिन श्रीनगर में रहे और महाराजा को बहुत कन्विंस करने की उन्होंने कोशिश की कि आप फैसला कीजिए। महाराजा ने गांधी जी को भी थोड़ा सारा कोल्ड शोल्डर ही कर दिया। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब इसमें आरएसएस वाले क्लेम करते हैं कि दैट वी वर द वंस हु कन्विंस्ड महाराजा टू एक्सीड टू इंडिया। 17 अक्टूबर, विच इज जस्ट 5 डेज बिफोर द ट्राइबल रेड, द आरएसएस चीफ एमएस गोलवालकर वाज फ्लोन इनटू श्रीनगर, के वो जहाज में बैठकर श्रीनगर आए थे। कमर्शियल फ्लाइट्स तो उस वक्त होती नहीं थी, तो शायद सरदार पटेल के कहने पे, उनकी रिक्वेस्ट पे उन्होंने ही उनकी जर्नी भी फैसिलिटेट की और वो श्रीनगर आए, महाराजा के साथ उनकी मुलाकात हुई। ये इतनी सारी चीजें हो जाने के बावजूद भी महाराजा कोई अहम फैसला वक्त के ऊपर नहीं ले पाए। अब आ जाता है मेरा दूसरा सवाल कि ये अगर ट्राइबल रेड ना होती, हम कहते हैं कि सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए, अगर ट्राइबल रेड ना होती तब भी एक्सेशन किसके साथ होता? मुझे यकीन है कि बावजूद उसके एक्सेशन इंडिया के साथ होता और जम्मू कश्मीर वॉज डेस्टिन टू बी ए पार्ट ऑफ इंडिया। सिर्फ ट्राइबल रेड से क्या हो गया कि जम्मू कश्मीर का डिवीजन हो गया और वो वायलेंस हो गया बहुत ज्यादा, बहुत सारा वायलेंस उससे पहले भी हुआ, वो महाराजा साहब ने जो डिले किया सारे अपने डिसीजन मेकिंग को, जो उसने स्पेस प्रोवाइड कर दी बहुत सारे लोगों को बीच में एक्ट करने की। मैं ये क्यों कहता हूं कि एक्सेशन किसी भी सूरत में इंडिया के साथ होता, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो सबसे पॉपुलर और पावरफुल लीडर थे, लोग जिनके साथ थे, अवाम जिनके साथ थे, ही वॉज एब्सोल्यूटली कमिटेड एंड ही हैड एन एब्सोल्यूट कन्विक्शन, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, दैट जम्मू एंड कश्मीर शुड एक्सीड टू द यूनियन ऑफ इंडिया। नेहरू और शेख इसके ऊपर एक लंबे अरसे से आपस में बात कर रहे थे और एक नेहरू ने खत लिखा सरदार पटेल को और उन्होंने कहा कि आप अपने लेवल के ऊपर इंटरवेंशन कीजिए, आप महाराजा के साथ डील कीजिए, मैं शेख के साथ तो मेरी बातचीत चल ही रही है, कि ये सर्दी होने से पहले पहले, बर्फ गिरने से पहले पहले ये एक्सेशन का सारा मामला कंप्लीट हो जाए, ये ट्राइबल रेड से बहुत पहले की बात है, ताकि ये मामला सारा कंप्लीट हो जाए और ये ट्राइबल रेड से, बल्कि ये रेड क्लिफ वर्डिक्ट आने से भी पहले की बात है, ताकि ये बाद में किसी किस्म का कोई ज्यादा कन्फ्लिक्ट ना बने। और शेख के भी कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं और जब ये ट्राइबल रेड का पता चलता तब भी शेख दिल्ली चले जाते हैं और तब वो नेहरू को एडवाइस करते हैं कि अब तो ये बात हो गई है, लेकिन मिलिट्री एड कश्मीर भेजने से पहले आप सबसे पहले क्या कीजिए कि वो डॉक्यूमेंट ले लीजिए महाराजा से, जिससे एक्सेशन का ये मामला सारा कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट अगस्त के महीने में जो डॉक्यूमेंट भेजा महाराजा ने, एक कराची में जहां पाकिस्तान की कैपिटल होती थी और एक दिल्ली में, कि जब तक हम फैसला लेते तब तक एक ऐसा एग्रीमेंट करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने एग्रीमेंट तो एक्सेप्ट कर लिया, बेशक वायलेट करने के लिए किया, एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन इंडिया ने एग्रीमेंट एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि उस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में पाकिस्तान के लिए कंडीशंस मुख्तलिफ दी गई थी, इंडिया के लिए कंडीशंस मुख्तलिफ दी गई थी। पाकिस्तान के लिए ये था कि जैसे नमक, तेल, हल्दी वगैरह की सप्लाई चलती रहे, टेलीग्राम, पोस्ट, बैंकिंग वगैरह ये सारी चीजें होती रहें, इंडिया के साथ ये भी बातचीत चल रही थी कि डिफेंस का भी आप ध्यान रखेंगे जब तक हम फाइनल फैसला नहीं लेते। लेकिन इंडिया ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट एक्सेप्ट नहीं किया। इंडिया ने यह कहा कि एक मिनिस्टर को डिप्यूट कीजिए, हम भी डिप्यूट करते हैं, लेट अस नेगोशिएट द टर्म्स ऑफ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, ताकि एक्सटर्नल अफेयर्स इसमें डलवाया जा सके और जो एक प्रैक्टिकल एक्सेशन है वो इंडिया के साथ हो सके। सो आई थिंक प्राइमेरली बिकॉज ऑफ द पोलिटिकल लीडरशिप, ये इस किस्म का एक इंडिया के साथ एक्सेशन होना मेरे ख्याल से काफी